दुर्ग पुलिस ने रविवार तड़के मोहन नगर थाना क्षेत्र स्थित बॉम्बे आवास उरला में सरप्राइज चेकिंग की। कार्यवाही के दौरान 7 राजपत्रित अधिकारी, 18 TI और 250 जवानों का बल मौजूद रहा। इस दौरान पुलिस ने 10 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके खिलाफ स्थायी व अन्य वारंट जारी हुए थे। दुर्ग SP इस समय कम्युनिटी पुलिसिंग पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। उनका मानना है कि इससे नशा के खिलाफ और अपराध को रोकने में पुलिस को काफी मदद मिलेगी। इससे पहले भिलाई के तालपुरी कॉलोनी में पुलिस को जंबो टीम ने सरप्राइज चेकिंग की थी। दुर्ग पुलिस द्वारा रविवार के तड़के सुबह करीब 5 बजे दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उरला आवासों में कम्युनिटी पुलिस के तहत सरप्राइज चेकिंग की, जहां बड़ी संख्या में 7 राजपत्रित अधिकारियों सहित 250 जवानों का अमला पहुंचा। इसके चलते वहां उपस्थित लोगों में कई तरह के असामाजिक तत्व अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से की गई दबिश कार्रवाई से पुलिस को उम्मीद है कि नशा के खिलाफ एवं अपराध को रोकने में पुलिस को काफी मदद मिलेगी। बता दें कि दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने दुर्ग जिले की कमान संभालते ही तब से वे कम्युनिटी पुलिसिंग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिसके तहत आज ये कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार जारी भी रहेगी। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव का कहना है कि आज सुबह से शुरू की गई है ये कार्रवाई, जिसमें कई अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों को पाया गया और पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस के द्वारा जो बेसिक पुलिसिंग को लेकर अभियान चलाया जाता है, उसी तारतम्य में आज हमारे मोहनगर थाना क्षेत्र के बॉम्बे आवासीय परिसर में हमारे द्वारा सरप्राइज चेकिंग की गई है। यहाँ पर 1800 से 2000 की संख्या में मकान है। नगर निगम और सरकार के द्वारा बहुत ही सस्ते दरों पर मकान यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, तो उस कारण यहाँ पर आपराधिक तत्वों और सस्ते दरों पर उपलब्ध होने के कारण अवैध लोगों के द्वारा भी कब्जा करके या फिर दूसरे किराया लेकर घरों का इस्तेमाल क्राइम ग्रुप में करने की सोच रहे हैं। हमारे द्वारा दबिश दी गई है। अभी इस कार्रवाई में 7 राजपत्रित अधिकारी, 18 निरीक्षक और 250 की संख्या में जवान शामिल हैं। यह प्रातः 4 बजे हम लोगों ने इस अभियान को आरंभ किया है और अभी भी जारी है। अभी तक 8 संदेही हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कुछ मोटरसाइकिल और कुछ अनावत मिली है। तस्दीक की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।